Hi guys, welcome to our channel, Sweetie Sisters Multi-Talented YouTube channel. So today I'm going to teach pasta recipe to Arpita. So let's see how she will do today and how we will do our this recipe. So we are so excited. So I hope you also enjoy this video. How it is going to be, we don't know, but this will be the very craziest video, right? Yes. So without further late, we start our video. Let's go. So yeah, today now in our kitchen. So let's start. मैं इसको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं पास्ता, वो भी इटालियन, चाइनीज, इंडियन मिक्सड पास्ता. इट्स अ टेस्टी यार, मैं खुद बनाती हूँ, मैं मुझे बहुत पसंद लगता है, मेरा फेवरेट स्नैक है मे बी यार. ओके, पहले कुकिंग बनाने के समय में क्या फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो? गैस ऑन करना. या गैस ऑन करना और फिर स्टोव भी ऑन करना है. तो गैस ऑलरेडी ऑन है, तो अब स्टोव ऑन कर दो. देखो इसे स्टोव ऑन करना नहीं आता है सच में. ये एडिट कर देना. नहीं करूंगी एडिट, कुछ एडिट नहीं होगा, पूरा का पूरा अपलोड होगा. देखो पहले इधर ऑन करना है, फिर अब जाकर स्टोव ऑन करो. या ब्लास्ट नहीं हो जाएगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, स्टोव ऑन हुआ है. नाउ अभी पैन को हीट होने देना है. अब पहले से हीट है? नहीं, इसमें पानी भी है देखो. हाँ डाल दिया, वॉश किया था एक्चुअली. हाँ थोड़ा पैन हीट हो गया था, इसमें ऑयल डालना है. नॉर्मल ऑयल है या वाटर? अरे ओपन है ऑयल. अच्छा ऑलरेडी ओपन है. हाँ ऑयल डालो. हाँ थोड़ा कितना डालो, मैं बोलती हूँ कब तक डालो. और बस हो जाएगा. अभी पैन में हम लोग कुछ ऑयल दिस दिखाओ ऑडियंस को. ऑयल को अच्छा ऐसे खाओ. ऐसे ऑयल है, ऑयल आ गया, ऑयल हीट हो गया. अभी तो एक जिंजर गार्लिक पहले डाल. ये है जिंजर और गार्लिक चॉप, फाइनली चॉप. मैंने चॉप किया था ठीक है. मैं भी किया था, मैंने सिखाया था कैसे चॉप करना. मैं ओनली गार्लिक चॉप किया, ये जिंजर चॉप किया. हाँ सर दोस्तों बोल रहे थे पूरा जिंजर और गार्लिक डालना है. अरे टमाटर चला गया, कोई बात नहीं. अब गार्लिक और जिंजर डालने के बाद अभी हमें डालना है क्या है, क्यूमिन जीरा 1 टीस्पून जीरा. फ्राई करो और ऑयल में जाने को पहले से देखो. हाँ हेलो फ्राई करो. ये नहीं होगा छिटकेगा नहीं कुछ नहीं, वो ऑलरेडी चॉप. देखो ऐसे ऐसे फ्राई करते. हाँ हाँ ठीक है तो सब कुछ सिखाना पड़ रहा है अभी मुझे. ओके ना इट्स अ बिगिनर सो इट्स ऐसा होता है सभी को. मुझे भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आप पूरा ट्रेंड लग रहे हो मुझे. होटल खोल देना चाहिए, मुझे भी ऐसा विश है खोलने का. हाँ अभी हो गया, हो गया. और थोड़ा फ्राई होने दो. मुझे अभी हार्ड नहीं लग रहा है. हाँ अभी हार्ड नहीं लग रहा है. हाँ क्योंकि ऐसा हो गया डबल वाला है, मैं तो पूरा खुला वाला करती हूँ तो इतना छटकता है. थोड़ा फ्राई हो गया है. अभी हम लोग इसमें क्या डालना है? क्या डालना है? टमाटो नहीं, अनियन. अनियन इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन. अनियन डालना है अभी इसमें. बेस्ड ऑन व्हाट एक्सेंट यू स्पीक, इफ यू स्पीक ब्रिटिश एक्सेंट ऑनियन. हाँ इतना हाई फ्लेम रखने की भी क्या जरूरत है. तो अब हम लोग ऑनियन डाल रहे हैं, उसे फ्राई कर रहे हैं. ऑनियन बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, ड्राई किया.
I love onions, especially raw ones. हाँ, मुझे भी कभी नॉनवेज के साथ साइड डिश में या वेज के साथ भी पकौड़ा मतलब ड्रेस के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, पता है। हाँ, अभी पका है या नहीं पका बोल दीजिए सर। मैं और बेटी कुछ तो होगा, कुछ तो रंग निकलेगा। लाइट गो। नाउ शी इज फ्राइंग ऑनियंस। Onions. Is it light boiling now? No. It's still yeah. Yes, we can smell the sweetness of this onion. Yeah. बहुत अच्छा होता है, मुझे भी पसंद है। अभी इसमें चॉप्ड कैरेट डालना है। ओके, डालो, जल्दी डालो। यस मैम, यस मैम बोल रही है। वॉट एवर इट इज, आई एम योर गुरु, यू आर माई शिशु राय। यस मैम, इन कुकिंग बट इन अदर थिंग्स, समटाइम्स आई एम गुरु, समटाइम्स यू आर गुरु। यस, बिकॉज या हार्ट शेयरर। अरे बगल में थोड़ा टमाटर भी गिर गया। हाँ चलो, मैं जल्दी आ गई, जल्दी करना। मैं कैसे मिक्स करने के लिए बोला था? यस सर, ऐसे नहीं। यस सर, पहले सब कुछ बीच में होना है, साइड में होने से क्या कुक हो, ऐसे करो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। वी आर व्यूइंग दैट थिंग हियर राइट। मैं दिख रही हूँ? नहीं, दिखना नहीं चाहिए। जोर से बात करो तब ये मैं। अब ये ऑनियन मैं हाथ में तो नहीं। हाँ, हाथ इससे। अभी ऑनियन और कैरेट फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छे खुशबू आ रहा है। एक्चुअली कौन सा कंट्री का खुशबू आ रहा है? ये आई डोंट नो, इटालियन एंड चाइनीज एंड इंडियन मिक्स। या इंडियन और चाइनीज एंड इटालियन मिक्स पास्ता चीज। पास्ता वॉट्स विल किल दिस पास्ता। ओके, नाउ ऐड आवर चॉप्ड टमाटो। जब वेजिटेबल्स पक रहे, मैं नॉन वेजिटेबल्स कूक एंड ऐड सम सॉल्ट। ओके, सॉल्ट एज फॉर योर टेस्ट यू कैन ऐड, इट्स नॉट डिफाइंड द कंट्री। इंडियन का इतना सॉल्ट है, चाइनीज का इतना सॉल्ट है, और इटालियन का इतना सॉल्ट, ऐसे नहीं है। आप टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट डाल दीजिए। लो कर सकते हैं या एक्चुअली यू नो व्हाई वी आर कुकिंग, मीन्स व्हाट द रीजन बिहाइंड आवर लर्निंग ऑफ कुकिंग। क्योंकि हम जब भी हॉस्टल में रहते रहेंगे तो ये हमको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? और व्हेनेवर फूड इज नॉट अवेलेबल इन आवर होम, देन इंस्टेंटली वी कैन मेक ऑल दीज रेसिपीज लाइक
वॉट वी लाइक एंड जब भी कोई आते हैं तभी हम ऐसे बना सकते हैं और जब हमको मन लगे तब अपना मन के अनुसार हम कुछ बना सकते हैं अपना पसंद का। हाँ पसंद का और कोई भी स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। और लड़का लड़की दोनों को ही सीखना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं कि घर पे ये लड़की बनाएगा और लड़का बाहर जाएगा, ऐसा नहीं। बगैर लड़की बीमार हो गया तो क्या होगा फिर। हाँ सबको सीखना है, सबको सीखना है कुकिंग। इट्स अ वार्निंग या इट्स अ बेसिक या ना बेसिक लाइक हाउ वी आर लर्निंग मैथ्स एंड ऑल। हाउ दिस इज अ सुपर सब्जेक्ट, इट्स अ होम साइंस सब्जेक्ट। चल रहे चल रहे, अच्छा ही चल रहे। दिखाओ दिखाओ। हाँ काले हमारे चेहरा क्या देखोगी, इसको भी देखना है बीच बीच में है ना। अरे डालने से बहुत क्रीमी होगा, ये बहुत तक गई इसलिए मैं इसको हेल्प करने में आ गई। आप चाहे बीन्स डाल सकते हो, आप चाहे कैप्सिकम, कैबेज, स्प्रिंग ऑनियंस और बीटरूट। हाँ बीटरूट डालने से ना एकदम पिंक कलर का बनता है बनेगा, लेकिन बहुत टेस्टी हो गए। दैट्स 100% आई एम गिविंग यू। इफ यू वांट टू मेक ग्रीन पास्ता एज फिनिश। हाँ बड़ा पीछे आपको बोलो इफ यू वांट टू मेक ग्रीन पास्ता। इफ यू वांट टू मेक ग्रीन पास्ता एड स्पिनच। हाँ स्प्रिंग ऑनियंस एड स्पिनच एड कोरिएंडर यू कैन एड ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो एड कोरिएंडर और यू कैन एड ब्रोकली ऑल्सो इफ यू वांट एंड यू कैन एड कैप्सिकम व्हाइट कॉलीफ्लावर फॉर व्हाइट पास्ता लाइक ग्रीन पास्ता and white sausage pasta you want and you can add cauliflower, cabbage and for your wish. And if you want the pink pasta then you can add beetroot, that will be give a very nice color and it will it have it will be a very healthy and fresh food. Yeah हमारा वेजीज पूरा फ्राइड हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सॉसेज डालें क्योंकि इटालियन, चाइनीज, इंडियन का फ्लेवर लाने के लिए तो ये सब डालना पड़ेगा। आर यू रेडी टू व्हाट आई एम एडिंग? इट्स वेरी कॉमन थिंग दैट एवरीवन ऐड इन देयर पास्ता। हाँ फर्स्ट आई एम एडिंग रेड चिल्ली सॉस। देखो रेड चिल्ली सॉस मैं तो ये डालूंगी। तुम रेड चिली सॉस डालो, मैं ग्रीन चिली सॉस डालूंगी। ये पूरा 1 tablespoon का आप डाल सकते हो, बहुत स्पाइसी होता है लेकिन। और ये अभी ये ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस वो भी चिंग्स का। हाँ ये कितना 1 tablespoon डालो, मतलब कितना होगा कितना और साफ नीचे लेके डालो। हाँ बस हो जाएगा। अब हम डालने वाले हैं सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट डार्क भी होता है। ये पूरा कम मतलब ज़्यादा नहीं डाला है, 1/2 teaspoon हो जाएगा। मिक्स करो जल्दी 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 जल्दी। आप इसमें चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हो। हेल्दी चाहिए तो इसे हम नहीं डाले, मेरे पास है विनेगर। हेल्दी बट ये थोड़ा फ्लेवर के लिए तो बेसिक फ्लेवर। हाँ हम ऑलरेडी सॉल्ट डाल दिया है तो अब हम डालने वाले हैं चिली पाउडर होममेड। ओके
थोड़ा स्पाइसी होगा। अरे ज़्यादा स्पाइसी मत ना लगाया, मैं नहीं खा पाऊंगी। ऑलमोस्ट वी डन आवर पास्ता, हाथ नीचे करके मिक्स करो। ये मेरा कैमरा फुटेज पे सारे आ जा रहे हैं ना। थोड़ा चिली चिली ज्यादा स्मेल आ रहा है क्योंकि इसमें रेड चिली भी डाला है, ग्रीन चिली सॉस भी डाला है। मैं एयर फैन डालती हूँ, इधर भी फैन है। ओके पास्ता है, हमने एक्स्ट्रा वाला पास्ता लिया है, आप देख सकते हो ड्रम स्टिक जैसे हो रहा है। अरे पेने पास्ता है। एक्चुअली वी आर मेकिंग दिस पास्ता फॉर 4 मेंबर्स। पहले एक कुकर वाला डाल ले रहे, हम लोग भूल गए तुमको दिखाने कि ये पास्ता गरम पानी को रखे, गरम करो, बॉइलिंग होने दो, इसमें थोड़ा 1 टीस्पून ऑयल डालो और इसमें कच्चा वाला पास्ता डाल दो। अच्छा हाँ, नॉर्मल पास्ता वो डालो, फिर इसके बाद कुक होने दो कुछ मिनट के लिए। अच्छा गया हमारे पास था तो वो भी डाल दे रहे हैं। जॉइंट ग्रीन पास्ता हो गया, एक ग्रीन पास्ता हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा चिल्लीज भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। हो गया, आप भी ट्राई कीजिए, वाला बहुत टेस्टी लगेगा तुमको। वो मैं कैसे कर दे रहा है, चुम्मच लग रहा है। हाँ it looks very yummy, tomatoey and chinese. It is any chinese, italian, indian, is capable of it. Ha, and thoda soy sauce daal do kyunki pasta zyada ho gaya hai isme. Chili sauce already lagaya hai. थोड़ा कंपनी दो, मैं खाली मिक्स कर दूँ तो उनको कंपनी क्या होगा, क्या करूँ मैं, कुछ बोलो मैं क्या कुछ सोच। ओ इट्स इट्स एन इटालियन डिश एंड वी आर मेकिंग इट विद अ ट्विस्ट ऑफ इंडियन एंड चाइनीज मिक्स एंड इट हैज ऑलरेडी डन एंड ऑलरेडी इज मिक्सिंग इट। खाली से thank you for my great talks, bye। अरे मैं इधर ही हूँ। अरे bye नहीं, हम लोग इधर ही है, तुम लोग चले हो। हाँ हो, ये है हमारा पास्ता। फैन बन कर दो, मैं स्टोव भी ऑफ कर दिया, मैं आपको दिखाने लेकर आ रही हूँ पास्ता। अरे फटाफट नाश्ता फटाफट की जगह।
हमनेर बना लेंगे। हाँ ये हमारा पास्ता रेडी है, देखो बहुत यमी दिख रहे हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, टेस्ट भी बताएंगे और इसका रिव्यू भी देंगे हम लोग कैसे है करके। तो स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा है। हाँ तो आप रेडी है अपने हमारे साथ देखने के लिए? आप इसी तरह का पास्ता कभी पहले खाए है? तो मैं कभी नहीं खाया, मैं आज खा रही हूँ पहली बार। ये पहली बार करें? मैं बहुत बार, मैं कभी भी मुझे भूख लगा तो इवनिंग टाइम में मैं यही बना कर खाती हूँ। हाँ तो अभी कभी पहले ऐसे वाला पास्ता खाए है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप भी नहीं खाए भी तो कमेंट कर बताइए कि आप नहीं खाए। हाँ ठीक है। हाँ तो आप इसे सर्व करके टेस्ट करते। तो हम सर्व करें इसमें। तो मुझे बहुत एमी दिख रहे हैं, मैं इसका थंबनेल में रख दूंगी। yes. पहले इसका फोटो भी तो उठा ऐसा। अरे ठीक है, ऐसा पोस्ट करो, पोस्ट करो। हाँ राइट, सो टेस्ट फॉर आई एम टेस्टिंग इट इवन आई आल्सो टेस्ट। ओके तो हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी ले लिए, बहुत एक्साइटमेंट है इसे खाने के लिए। हाँ ओके चीयर्स। चीयर्स। बहुत गर्म है, तुम कैसे खा रही हो? खा रहा रियली बहुत टेस्टी है, थोड़ा स्पाइसी भी है। इटालियन चाइनीज इंडियन का टेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेजीज और जीरा। इंडियन का टेस्ट आ रहा है और सोया सॉस की वजह से चाइनीज का आ रहा है। इसमें पास्ता है इसलिए इटालियन का भी आएगा। और टेस्टी है, बीच बीच में मैं बात करूं लेकिन ये बीच बीच में खाने में बिजी है। सुपर टेस्टी। सुपर, आई रियली लव इट। तो कैसे लगा मेरे रेसिपी को देखकर? तुम्हें सॉरी लगा? थोड़ी देर आगे बात करो। तुम्हें सॉरी लगा? तुम्हें सॉरी मतलब शेफ्स किस? शेफ्स किस शेफ तारे वो। हाँ तो मुझे इतना किसेस मिला है एज ए, मुझे लग रहा है कि अब मैं एक शेफ बन गए और पूरा प्रोफेशनल हो, बॉर्न से ही हो। ओ वाओ। हम लोग खाने में बिजी है, अब देखने में बिजी हो जाओ। हो जाओ बिजी। तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, बहुत इजी है, बस कुछ मिनट में हम लोग बना सकते हैं। हम लोग बीच बीच में तुम मिक्स करो के मैं मिक्स करके पूरा टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया, लेकिन बहुत आसान से बहुत कम टाइम में बना सकते। हम तो इतना सारा बनाए कि चार लोग से ज्यादा सिक्स मेंबर्स के लिए हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही बना दिए हम लोग। नहीं हो जाएगा, इतना टेस्टी है तो हम भी पूरा खा लेंगे। है ना? तो आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, भूलना मत। ओके आई होप यू लव दिस वीडियो, प्लीज शेयर लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल इट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।